ओके, हाउ टू फिल द फॉर्म विद 100% एक्यूरेसी, तो लेट्स साइन इन। संजीव साई स्कूल का आपको लिखना है ऑन द गूगल आफ्टर राइटिंग डाउन। जैसे ही आप लिख लेंगे, संजीव का साइट यहाँ पे खुल जाएगा, तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। ध्यान की ओर, कैजुअल वैकेंसी 2023-2024 का ऑप्शन मिलेगा आपको, यू हैव टू क्लिक इट। नाउ यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको मिलेगा का क्लिक बिलो टू फिल द फॉर्म। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर आपने फिल कर लिया है तब, पर यहाँ पे दिया हुआ रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सेशन क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे खुल जाएंगी जो हम लोगों ने कल बताया था। सारी चीज़ें 15 से लेकर 16 तारीख तक फॉर्म फिल हो रहा है, कैजुअल वैकेंसी है ये। 800 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फी आपको देना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर देखी जाए तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने, अगर उसको देखना चाहते हैं आप, तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो पूरा डिटेल रिव्यू हमारा दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एडमिट कार्ड विल बी अपलोडेड ऑन 17 और 18 तारीख को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। रिजल्ट जो है वो 21 को पब्लिश होगा। डेट ऑफ एडमिशंस फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज ऑन 24 एंड फी स्ट्रक्चर जो है आपको मिल जाएगा विल मेंशन अलॉन्ग विद द कैजुअल वैकेंसी रिजल्ट। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब चीज़ें यहाँ पे निकल जाती हैं कि क्या करना है सर। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लास, किस क्लास के लिए आप रजिस्टर हो रहे हो, क्लास 1 के लिए, क्लास 2, क्लास 4, क्लास 8 तक की वैकेंसी है ये आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट पार्टिकुलर्स, एप्लीकेंट नेम ओनली फादर एंड मदर्स, ईमेल आईडी, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर वे रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी सेंट, बहुत ध्यान से देना है यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम। उसके बाद ध्यान से स्टूडेंट पार्टिकुलर्स है ये, यहाँ पे ध्यान से दे देंगे हम एप्लीकेंट नेम ओनली फादर एंड मदर्स। उसके बाद यहाँ पे किस बोर्ड को आप सिलेक्ट कर रहे हो, देयर आर टू टाइप ऑफ बोर्ड, दैट इज कॉल्ड BSEB एंड ICSE बोर्ड। तो ध्यान लेंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे लिखेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, बर्थ प्लेस क्या है, जेंडर क्या है, बच्चे का मेल है या फीमेल, इसको आप अच्छे से चेक कर लेना है। ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, ओ पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, बी है, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ, दैट सो मेनी ब्लड ग्रुप्स। तो ध्यान से सलीके से ब्लड ग्रुप को ही मैच कर लें, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स यहाँ भी गलतियाँ कर देते हैं। किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन है या क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी से आप हैं, हिंदू है, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैन, किसको आप फॉलो करते हैं ध्यान से, रोमन कैथलिक, सिख, जो भी हो आपका यहाँ पर, वो आप ध्यान से भर लें। नेशनलिटी क्या है आपकी, जनरली जो भी नेशनलिटी हो आपको यहाँ पर अच्छे से फील कर लेंगे। उसके बाद मदर टंग क्या है आपका, इंग्लिश है या हिंदी, जो भी हो यहाँ पर आप लिख लेंगे। क्या ट्विंस है आपके पास, इज देयर ट्विंस, तो आप बोलेंगे यस या नो, जो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं। उसके बाद रेजिडेंस एड्रेस में यहाँ पर लोकल एड्रेस एंड परमानेंट, अगर दोनों सेम है तो सेम एज पर क्लिक कर देंगे, सेम एज रेजिडेंस अपने आप वो ले लेगा। ड्यूरेशन ऑफ द स्टेइंग एट द लोकल एड्रेस, कितने साल से आप वहाँ पर रह रहे हैं, लोकल एड्रेस, डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल, कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसको भी ध्यान देंगे आप। फादर डिटेल भरेंगे आप, इसके बाद फादर में पहले लगा लेंगे मिस्टर, उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, फादर का नेम क्या है, क्वालिफिकेशन, सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पर मदर्स में भी भरनी है। फादर का एनुअल इनकम क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन ध्यान से भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, अदर्स हैं या बिजनेस में है या सर्विस में या सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद उनका किस तरह का प्रोफेशन क्या है, बिजनेस मैन, हाउस वाइफ, टीचर है, प्राइवेट जॉब है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, हाउस वाइफ है, हाउस मेकर, सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। इसको ध्यान से बिजनेस मैन, मार्केटिंग, प्रैक्टिकल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, जो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान से देख कर आप अपना भर लीजिएगा। फादर का डिजनेशन क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर वो काम करते हैं, ऑफिस का एड्रेस क्या है, फादर का मोबाइल नंबर क्या है, सेम टू सेम चीज़ें यहाँ मदर्स वाले में भी भरनी है। उसके बाद सिबलिंग डिटेल्स, अगर सिबलिंग हो तभी दें, अन्यथा ना दें। उसके बाद यहाँ पर जरूर क्लिक करें, जो दीजिए जी कहेंगे, वी हैव डिक्लेयर दैट वी आर रेडी टू अबाइड बाय द डिसीजन विथ रिगार्ड टू एडमिशंस बाय द स्कूल अथॉरिटीज, ऑल्सो वी वेरीफाई दैट द स्टेटमेंट्स मेड एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाई मी इन अबव रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर द ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, नथिंग हैज बीन कॉन्सील्ड there of in and in case of any information is found to be incorrect or withheld, then I will be understand that admission if already made shall automatically stand cancel। तो कोई भी चीज़ें गलत देने का प्रयास नहीं करें, बाद में आपको ये प्रश्न का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान से सलीके से सब चीज़ें यहाँ पे दें। बहुत अच्छे से फॉर्म बनाया गया है, बहुत ही सिंपल है फॉर्म को भरना, आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप ऑल्सो। उसके बाद क्लिक नेक्स्ट पे करेंगे तो पे करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपने ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएंगी। तो इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल्स एंड ज्वाइन अवर बैचेस सून टू बी गेट इन द पटना स्टॉप स्कूल। द नंबर इज फ्लैशिंग, दैट इज 9472163206। तो लेट्स साइन आउट, मिलते हैं आपने एक और छोटे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सर जी, जय हिंद।